पेपैल के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पेपैल है क्या। पेपैल एक एप्लीकेशन है, एक साइट है, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिससे आप डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, जस्ट लाइक एनी अदर एप्लीकेशन हो गया गूगल पे या फिर फोन पे, इन जैसे चीजों से। बट पेपैल में सबसे ज्यादा मेन चीज जो है इन सबको अलग करती है इन सारे ऐप से, वो है कि आपको अपना जब आप बैंक अकाउंट लिंक कर लेते हो ना, तो आपको सामने वाले का सिर्फ एक नेम चाहिए जो पेपैल का अकाउंट से उसका लिंक हो। हम जैसे गूगल पे में बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, तो हमें आईडी चाहिए होती है जब हम पैसे सेंड करते हैं, तो हमें ओटीपी लेना पड़ता है। और कई बार होता है कि हम इधर से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो सर्वर की वजह से डाउन हो जाता है, जो पेपैल में इस तरह की आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आती है। सेकंड चीज, जो पेपैल है वो हैसल फ्री कर देता है आपका काम। जैसे आप कहीं एक्सचेंज कर रहे हो, फॉरेंसिक एक्सचेंज कर रहे हो, मान लीजिए आप इंडिया से भेज रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर की तरफ डॉलर्स में, तो आपका जो अकाउंट है पेपैल आपके बैंक से पैसा निकालता है और वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है डॉलर्स में, एंड डॉलर्स में डायरेक्ट वो सीधा उस बंदे को भेज देता है। नाउ अगर आप किसी और एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे तो आपको बैंक जाना पड़ता है, बैंक में जाके आपको चेक्स फ्री करवाने पड़ते हैं अपने आप को, वहां से बहुत सारा टाइम होता है, जब आपके कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है, पैसा 3 दिन 4 दिन बैंक होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा होता है। बट पेपैल में ऐसा कुछ होता नहीं है। सेकंड चीज, जो पेपैल सबसे बेस्ट चीज है वो है क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए। जिनके पास क्रेडिट कार्ड यूजर नहीं है, समटाइम्स होता है कि गूगल पे से आपका जो डेबिट कार्ड है वो कनेक्ट नहीं हो पाता, कभी वीजा प्रॉब्लम है, कभी आपका मास्टर कार्ड है, कभी कभी जाना पड़ता है, हमें बैंक में जाना पड़ता है। सेकंड चीज, जो पेपैल है उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं आती है कि आपका ये कार्ड था तो इससे नहीं हो पा रहा, आपका वीजा है तो इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं। हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं मेडटेक। सो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज पेपैल, पेपैल है क्या, आप उस पर कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस है, कैसे वो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मदद करता है, कैसे आप उससे चीजें यूज कर सकते हो, आज इन सबके बारे में हम बात करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड प्लीज मेक श्योर अ बिग थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ी पेपैल की डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस पेपैल की थोड़ी बहुत ये है कि इसका बहुत ही लॉन्ग और स्ट्रिक्ट और गाइडलाइंस पॉलिसीज जो बहुत स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा। पेपैल से आप जैसे किसी से पैसे मंगवाए हैं आपने, तो आप डायरेक्टली एकदम से उसे अपने बैंक ट्रांसफर इमीडिएटली नहीं भेज सकते, क्योंकि पेपैल को पहले रियलाइज करना पड़ता है कि आपने जो पैसे मंगवाया कौन से सोर्सेज आए हैं, ये करेक्ट फॉर्म में आए हैं या नहीं आए हैं, पहले उन्हें सारी पॉलिसीज के थ्रू अपने गुजरना होता है, तभी वो आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में जाता है। इनमें 2-3 घंटे लग सकते हैं, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, ये थोड़ी चीज बुर गए। और पेपैल पे अगर आप दिखता कि सस्पिशियस एक्टिविटी है थोड़ी की, इलीगल टाइप से हो सकता है या पैसा ट्रांसफर हो रहा है, या फिर उनकी पॉलिसीज हो जो मैच करनी चाहिए वो मैच नहीं कर पा रही है, तो वो थोड़ा सस्पिशियस कर सकते हैं आपके अकाउंट को। सस्पिशियस करने के बाद हो सकता है वो थोड़ा लोअर कर दे आपकी लिमिट को भेजने की, हो सकता है आप $100 अगर अभी भेज पा रहे हो तो वो $10 से $20 कर दे। ये थोड़ी बहुत है जो हर बैंक की या हर ऐप्स की होती है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये बहुत ही सिक्योर ऐप है, मैं आपको वीडियो में जरूर देखना, आप देखोगे तो पता चलेगा। जब मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे पेपैल की पॉलिसीज कहती है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हो। मैंने आपको वीडियो में यह भी दिखाया है, जब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा था तो मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि पेपैल की जो पॉलिसीज है वो मना करती है या फिर वो रिस्ट्रिक्ट करती है इन सारे एक्शंस के थ्रू। सेकेंडली, जो इसकी एडवांटेज है बहुत सही है, जैसे मैंने बताया हैसल फ्री है, आपके जो बैंक वर्क है वो कट जाते हैं, आपकी जो वेटिंग लाइन्स है वो सारी कट जाती है, जो आपका लॉन्ग वर्क का आवर्स है, जैसे आपको आज करा है तो पता नहीं कितने दिनों बाद भेजना पड़ेगा आपका, वो सारा भी हट जाता है इस पेपैल के थ्रू। सो नाउ मैंने आप लोगों को इस पेपैल के बारे में बता दिया, मैं आगे वीडियो को देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि पेपैल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, और मैंने आपकी वीडियो में दिखाया भी है कि मैंने कैसे खुद पेपैल से पैसे कमाए थे 2018 में, मैंने कैसे यूज करा था, मुझे कितना कितना डॉलर्स मिलता था और कैसे वो खुद पर खुद अपने बैंक में ट्रांसफर हो सकते थे। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, एंड प्लीज मेक श्योर टू गिव अ लाइक, थम्स अप एंड सब्सक्राइब। सो अभी हम पेपैल के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। द थिंग इज़, मैं इस तरह से आप लोगों को क्यों बता के बता रहा हूँ, क्योंकि पेपैल की एक पॉलिसी है कि आप जब भी, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के पहले मैंने थ्रू करना चाहा था, बट पेपैल की पॉलिसी बोलती है अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो किसी पेपैल के अकाउंट को तो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ यार, कि वो सिक्योरिटी पर्पज़ पर कहीं वो डाटा मिसलीड तो नहीं हो रहा, कहीं वो चीज़ें कहीं और तो नहीं चली जाएंगी, कहीं उनका मिसयूज़ तो नहीं होगा, कहीं वो फेक तो नहीं है, कहीं उस पर फेक अकाउंट तो नहीं बन रहा, कोई स्कैम
तो नहीं हो जाएंगे। तो इसकी वजह से मुझे इस तरह से वीडियो बना के दिखानी पड़ रही है आप लोगों को कि कैसे बनाते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पेपैल पे मैंने क्लिक करा। पेपैल पे क्लिक करने के बाद आपको करना है ऐसे साइनअप नाउ। साइनअप नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक आपने डालना है नंबर। मैं नंबर डाल देता हूँ ज़रा जल्दी से। यार जो पेपैल है ना वो सबसे बेस्ट चीज़ है। पेपैल सबसे बेस्ट क्यों है? जब आप इंटरनेशनल एक्सचेंज करते हो, किसी भी साइट पे जाते हो, वहाँ से डॉलर्स कमाते हो ना, तो बहुत सीधा पैसा आपके सीधा अगर पेपैल से आपने लिंक कर रखा है तो डायरेक्ट इसमें आ जाता है। इसमें कुछ आर्ट्स लगते हैं यार कि वो डॉलर्स जो आपके इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर हो सकता है अगर आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है बाहर की तरफ तो आप बाहर भी कर सकते हो। इस लाइक अपने अकाउंट से आपको पेपैल में डालना है, पेपैल उसे कन्वर्ट करेगा डॉलर्स में, आपको कहीं और बाहर भेजना है तो उसे कन्वर्ट करके वहाँ से उसे भेज देगा ना। अब सेकंड स्टेप आता है इसका आईडी। अब आपको एक आईडी चूज़ करने, जो भी आपके पास आईडी हो, जैसे मैं कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास एक पड़ी है जैसे मेडटेक की, और मैं इसमें एक पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के लिए मैं बता दूँ, ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका था जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बना रहा था, तो इस रिकॉर्डिंग को मैं आईडी को यूज़ नहीं कर सकता हूँ दोबारा, तो इसीलिए अब मैं इस पर नई आईडी डालनी पड़ेगी मुझे। तो मेरे पास एक और आईडी है जो मैंने बना रखी थी, सो मैं अब उसको यूज़ करने जा रहा हूँ। मेरी ये थर्ड आईडी थी जो मैंने आप लोगों के लिए और बनानी पड़ी मेरे को, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से वो हो नहीं पाया था ना। अब आपको एक पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड आप इस तरह से बनाएं कि थोड़ा इजी हो पर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ना हो, जैसे 1 2 3 4 लगातार ऐसा ना डाला हो, या फिर सिर्फ वर्ड्स ना हो, जैसे आपने कुछ भी डाल दिया, जैसे मुक्की एस लिखा है इसमें मुक्की एस, तो आप मुक्की एस ही करके छोड़ दो। इस तरह से पेपैल जो है एक्सेप्ट नहीं करता है पासवर्ड, क्योंकि इनकी पॉलिसीज कहती है जो पासवर्ड होता है होना चाहिए ना वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए यार। सो मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। देखो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसमें डाला तो इनमें लिखा गया कि नो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लाइक 1 2 3 4, तो जो मैंने इसमें लिखा हुआ था। सो आप देख सकते हो मैं इस तरह का यार नहीं बना सकता। सो अब मैं इसे हटा देता हूँ, तो एक मैं एक पासवर्ड बनाता हूँ एक अच्छा सा। सो मैंने एक पासवर्ड बना लिया, इसमें मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसमें भी दिखा रहे हैं कि इसमें लेटर्स हैं, तो मुझे एक अच्छा पासवर्ड बनाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। आपको जो पासवर्ड बनाना ना यार, थोड़ा अच्छा सा ढंग से बना लेना। चलो मैं एक पासवर्ड बना के आता हूँ। तो मैं भी पासवर्ड बनाने जा ही रहा था, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना भूल गया था कि पेपैल इतना सिक्योर है। जैसे आप देख सकते हो मैंने एक आईडी डाल दिया, मैंने एक पासवर्ड डाल के दिखाया कि आप लोगों को मैं एक पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये नंबर नहीं ले रहा। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने की भी कोशिश करूँगा ना तो कैप्चर नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी ना यार, वो भी काम नहीं कर पाई थी। नाउ अब मैं आया आप लोगों के लिए एक पासवर्ड बना के। सो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। ये आपका थर्ड नंबर आता स्टेप का जो आपको फॉलो करना है ना। अब आपको एक नाम डाल लेना। नाम मैं डाल देता हूँ अपना मेड टेक का ही बना देता हूँ। चलो मैंने मेड डाला यहाँ पर और मैंने टेक डाल दिया ना। आपने मेड भी डाल दिया, टेक भी डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ आप एक चूज़ कर लीजिए, लाइक आई एम गोइंग फॉर 1998। जो मेरी ओरिजिनल बर्थ डेट है मैं वही डालने वाला हूँ इसमें, वैसे 12 मार्च 1998 फेब सॉरी। सो नेशनैलिटी आपने इंडिया कर दी है। नाउ मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डाल देना है आपको, अपना टाउन डाल देना, आपको अपना स्टेट डाल देना, आपको अपना पिन कोड डाल देना है। सो मैं अब एड्रेस डाल देता हूँ। ओके, नाम अपना, एड्रेस, पिन कोड वगैरह आप सारी चीज़ें डाल पाएंगे तो होम दिल्ली, स्टेट को आप चूज़ कर लीजिए प्लीज़ दिल्ली आपकी जो भी है। पिन कोड अपने आप आ जाएगा आपको, इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं। आपको अग्री कर देना है सारे यहाँ पर जो अग्री आएगा, वैसे तो ऑटो हो जाता है, अगर आपका फिर भी नहीं आता आपको खुद कर देना अग्री एंड कंटिन्यू पे। मैंने क्लिक कर दिया। नाउ मेरा जो अकाउंट है ना भाई वो क्रिएट हो गया। नाउ आपका बहुत ईजी था अकाउंट बनना और वो मैंने बना दिया है। नाउ अब आप इसे जब मर्जी जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज करते हो या किसी ऐप से आप जब आप पैसे कमाते हो तो आप तब भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पेपैल से आप स्विगी को, बिस बास्केट, 1MG
1MG अगर आपको पता ना हो तो एक बहुत ही अच्छी साइट है, आप जाके इसे प्लीज़ ज़रूर देखना। और यहाँ पर नेट मेट्स है, फार्म इजी है, मेट लाइफ है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पे कर सकते हो पेपैल के थ्रू, क्योंकि ये जो सारी साइट्स हैं ना ये बाहर भी एक्सचेंज में यूज़ होती हैं, इनके बाहर भी हैं एक्सपोर्टर सेलर्स, इसलिए पेपैल ने इनके साथ कोलैब करा हुआ है। नाउ मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब आपको करना है क्या, अब आपको यहाँ से अपना कार्ड नंबर डाल देना है, बैंक की अकाउंट डाल देनी है, पैन कार्ड नंबर होगा वो सारे डाल देने, तभी आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा और आप पेपैल यूज़ कर पाएंगे। सो मैंने यहाँ पर अपना सारा डाल दिया था ऑलरेडी, हर सारी चीज़ें यहाँ से आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है यहाँ पर जाके, अपनी फ़ोटो लगा देना, गेट स्टार्टेड, आप हर चीज़ यहाँ से यूज़ कर पाएंगे ना। प्रोफाइल अपनी आप सेटअप हो जाओगे, कर दिया आपने, इस तरह से आपको जो पेपल है वो बन चुका है, अकाउंट बन चुका है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे सेंड का और रिक्वेस्ट का आ रहा है, यहाँ से आप पैसे सेंड कर सकते हो किसी को भी जब आप अपना बैंक अकाउंट इस पे लिंक कर लोगे। तो यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो किसी से भी, आप अपने यहाँ से जो कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ से सिंक कर लेना, कॉन्टैक्ट सिंक कर लेना और आपका जो पेपल अकाउंट है वो बन चुका है। नाउ अब हम बात करेंगे जो मैंने यूज़ करा था, और मैंने जब फॉरेंसिक एक्सचेंज में जब मैं एक एप्लीकेशन के थ्रू पैसे कमाता था ना, तो मैं आपको अब वो दिखाता हूँ वो उस वक्त मेरे कितने हेल्प में आती थी। सो मैंने यहाँ पर अपना ओरिजिनल जो मेरा पहले पेपैल का अकाउंट था मैंने यहाँ पर कर लिया है, इसको ज्वाइन, मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेरा बैंक जो था इससे अलाउड था, लिंक था, सारी चीज़ें थी। सो मैं अब आपको जो बता रहा था जो मैं यूज़ करता था थ्रू बाइट डांस के थ्रू एप्लीकेशन था जिससे मैं पैसे कमाता था ऑनलाइन, और मैं दिखाता हूँ आपको मैं हर दिन एक एक डॉलर कमाता था उससे। नाउ यू कैन सी बाइट डांस से मुझे $1, $1, $1, और ये जो कन्वर्ट होता था ना उस समय 2018 की बात है जब मैं ये पैसे कमाता था, और यू कैन सी कि वो 65 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता था। आप देख सकते हो कि $1, $1, $1, $1 देखते रहोगे यार। ये जो पेपल का अकाउंट है ना इससे मैंने बहुत पैसे कमाए, मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, ये बहुत ही यूज़फुल है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने आप लोगों को जितना भी बताया ना इसके बारे में, ये फॉरेंसिक एक्सचेंज के बारे में, और आप जब बाहर ट्रेडिंग करते हो या बाहर एक्सपोर्ट करते हो या इम्पोर्ट करते हो बाहर से, अगर आप बिजनेस टाइप के हो ना तो ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप उस तरह की चीज़ें भी यूज़ नहीं करते हो, आप कोई पेपैल ना लोकल लगा जगहों पे भी बहुत आजकल यूज़ हो रहा है, सो आप लोगों को ये बहुत ही बेस्ट लगेगा और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है। नाउ मैंने अब आपको बताया कि मैंने कैसे इसे यूज़ कर लिया था, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आपको इस पर साइनअप कैसे करना है, मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से मैं आपसे पैसे कमा रहा था, और मैंने ये भी बताया इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने पूरी वीडियो देख लिया, आई होप मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी होगी जो करेक्ट होगी आप लोगों के लिए, आपको लिए अच्छा लगा होगा कि मैंने थोड़े इसके एडवांटेज बताए, थोड़े डिसएडवांटेज बताए। अगर आपको लगता है ये वीडियो थोड़ी अच्छी थी और आप लोगों को हेल्पफुल हुई है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक ना करना ना भूले, सब्सक्राइब करना तो ना भूले। जब आपको स्क्रीन पर एक रेड कलर का दिखता है ना सब्सक्राइब का, तो उसे प्लीज दबा दिया करो, अच्छा लगता है। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इसे शेयर करते रहो, मैं ऐसी ऐसी नई नई वीडियोज के साथ आता रहूंगा और आप लोगों के लिए लाता रहूंगा।